गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, वहाँ मिक्सर पढ़ चुके थे, टाइप्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे। टू टाइप्स का होता है मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेटरोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर क्या है? इन अ होमोजेनियस मिक्सर द कॉम्पोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स, यानी कि मिक्सर कैसा होता है? होमोजीनियस होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं विद ईच अदर, द मिक्सर आर यूनिफॉर्म, यानी कि एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाना दो कंपोनेंट्स का क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सर कहलाता है। एग्जाम्पल है सुगर सोल्यूशन एंड एयर। सेकेंड आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो यूनिफॉर्म में नहीं हो, यानी कि आपस में मिक्स ना हो, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, लिखा है मैंने आगे थ्रू आउट द सम टाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, यानी कि वो आपस में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, विजिबल होते हैं, सोल्ट एंड सुगर, ग्रेन्स एंड पल्स। इसमें हम और भी ले सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर में पानी में अगर हम डस्ट मिला दें तो भी वो हेट्रोजीनियस मिक्सर ही होता है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। इन अ प्योर सब्सटेंस है करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सर, जो प्योर सब्सटेंस है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो मिक्सर से कैसी होती है? डिफरेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स कंपोजिशन, जो प्योर सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है या फिर जो उसका कंपोजिशन है वो कैसा होता है? फिक्स होता है। कॉपर है AgAuH2 एंड ग्लूकोज, नीचे मैंने ये लिखा है ग्लूकोज कंटेन्स, यानी कि जो ग्लूकोज हमारा किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो एंड इट्स पार्टिकल आर ऑफ सेम कंपोजिशन। जो हमारा ग्लूकोज है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, जिनका रेशियो कैसा होता है? फिक्स होता है। इसी में नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि एलिमेंट्स हम उसे कहते हैं जो हमारा ओनली वन टाइप का एटम होता है। दिस प्रैक्टिकल में एग्जिट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हम इसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं।